22 तारीख को जहां एक ओर अयोध्या राम जन्मभूमि के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, वहीं लगभग देश के सभी मंदिरों में राम नाम जय घोष, दीप प्रज्वलन और भजनों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 7 में निगम पार्षद द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। सभी मंदिरों में साफ सफाई दवाइयों के छिड़काव किया जाएगा। आज निगम पार्षद कार्यालय में संबंधित विभाग कर्मचारी और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए कि पूरे वार्ड में जितने भी मंदिर हैं जहां कार्यक्रमों का आयोजन 22 तारीख को होना है, उन मंदिरों में समय पर साफ सफाई होनी चाहिए। सभी मंदिर में चूने का छिड़काव और दवाई का छिड़काव भी समय पर किया जाए। वार्ड नंबर 7 में कादीपुर, केशव नगर, इब्राहिमपुर, अमृत विहार, मुखमेलपुर, नंगली सहित कई गांवों और कॉलोनियां हैं, जहां लगभग सभी मंदिरों में 22 तारीख को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आज निगम पार्षद मुनेश राहुल शर्मा ने कार्यालय में एक मीटिंग संबंधित विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ रखी और सभी क्षेत्रवासियों से भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की। और मलेरिया इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, तो हमारे वार्ड में लगभग 70-75 के आसपास लिस्ट आई हुई है, और कोई मंदिर बच भी जाए तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारे नॉलेज में नहीं हो तो वो ऑफिस आके हमें बता दे, तो अच्छे से साफ सफाई करी जाएगी। 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख को 3 दिन सभी सफाई कर्मचारी एक एक मंदिर में जाएंगे, सबसे पूछेंगे कॉलोनी में, गांव में, जहाँ भी होगा, और वहाँ पर साफ सफाई करी जाएगी, चूना लगाया जाएगा और मच्छर की दवाई का छिड़काव करवाया जाएगा। इसके साथ में आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ कि 3-4 महीने चुनाव है तो अपना भाईचारा बना के रहें, और प्रभु श्री राम सबके हैं। अब 21 तारीख को, 22 तारीख को बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, तो सभी क्षेत्रवासियों को कहना चाहता हूँ कि बड़े अच्छे से भाईचारे के साथ इस प्रोग्राम को और बड़े अच्छे से मनाएं। इसका एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जय श्री राम बोलते समय थोड़ा ध्यान रखें, प्यार से, जैसे भगवान श्री राम सबको अच्छे से बोलते थे, प्यार से रहते थे, उन्होंने एक मैसेज दिया कि एक राजा होने के बावजूद उन्होंने कैसे अपना 14 साल वनवास काटा, सबसे प्यार से, प्रेम से, दुख की घड़ी में भी वो प्रेम से ही रहे। तो जब कई देखते हैं जो जय श्री राम, एक तो बोले जय श्री राम प्यार से, तो उसको गले लगा लो सब, कि क्योंकि वो अच्छे से बोल रहा है जय श्री श्याम, तो अच्छे से उसको गले लगा लो। और एक जो जोर से बोलेगा जय श्री राम, वो राजनीतिक वाला होगा, उससे बच लो। तो लड़ाई नहीं करनी है, सब ने प्यार से जो बोले जय श्री राम भैया, तो आपको सबको जय श्री राम बोल के गले से लगा लो, और ऐसे भाईचारा बढ़ाते जाओ। और जो बोलेगा जय श्री राम, उससे बच लेना, वो राजनीतिक वाला जय श्री राम है, उससे बच लेना। ये मैसेज आप चलाएं अपने चैनल के माध्यम से भी, और कहीं कोई और अच्छा हम व्यवस्था कर सकें, किसी का कोई अच्छा सुझाव हो वो भी हमें बताएं, वो भी हम मानने को तैयार हैं।